Welcome all. This is Himanshu Agrawal and I'm here with a new topic, Triple Talaq in India. This is now being, one of the most debated issue in India. Basically, I have, written down 15 points which completely provides you the overall understanding about this topic. So first of all, we have first point, triple talaq, also known as talaq-e-biddat. I have highlighted the main words that you have to keep in your mind while you are preparing for different kind of exams like UPSC and state PCS etc. So triple talaq is also known as talaq-e-biddat. Or irrevocable divorce is a form of Islamic divorce which has been used by Muslims in India, especially adherents of Hanafi Sunni Islamic school of jurisprudence. So here you can see the difference. ट्रिपल तलाक को हम तलाक़ बिद्दत के नाम से भी जानते हैं. ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, मुस्लिम प्रैक्टिस है और मेनली अपनाई जाती है हनाफी सुन्नी इस्लामिक सेगमेंट जो मुसलमानों में उसके द्वारा, ठीक है. सेकंड पॉइंट इज इट अलाउज एनी मुस्लिम मैन टू लीगली डाइवोर्स हिज वाइफ बाय स्टेटिंग द वर्ड तलाक, द अरेबिक वर्ड ऑफ द डाइवोर्स. अब हियर यू कैन सी द डिफरेंस. सो बेसिकली ये जो ट्रिपल तलाक है वो अलाउ करता है एक मुस्लिम मैन को अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए, और थ्री टाइम्स, अगर वो तीन टाइम बोलता है, चाहे ओरली बोले, रिटन में बोले और एनी अदर मीन. करेंटली इन प्रेजेंट देर आर लॉट्स ऑफ मीन्स, लाइक ही कैन टेल दैट, ही कैन राइट दैट, ही कैन कन्वे दैट बाय यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, एनी थिंग, मेल. और इवन वाइफ डजंट नो, इफ वाइफ इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वाइफ शुड बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. अगर मैन ने ये कन्वे कर दिया किसी मीन्स के द्वारा तो वो होता है तीन बार में, आपका मैन को पूरा राइट दिया गया है कि वो तलाक दे. और फ्रॉम वेयर द वर्ड तलाक हैज़ बीन बोरोड, सो द लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, बेसिकली फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज इट हैज़ बीन बोरोड. एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाइवोर्स, तीन टाइम बोलने पर या लिखने पर या कन्वे करने पर. थर्ड पॉइंट इज द डिबेट हैज़ इन्वॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इज कनेक्टेड टू द डिबेट अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44. सो हियर वी विल फोकस ऑन आर्टिकल 44. हियर यू कैन सी आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड. There are many parties, there are many, groups that are involved in this particular debate. Some are opposing it, some are favoring it, So there are many of them. Basically, it includes three main parties: Government of India, Supreme Court, and All India Muslim Personal Law Board, or some opposers. ओपिनियन किन के सेम है? ओपिनियन एससी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेम है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, जो कि 44 है. वो कह रहे हैं कि सब इक्वल हैं. और अपोजर जो हैं वो किस चीज़ का वो ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अनइक्वालिटी, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे अपोजर्स इसका अपोजमेंट कर रहे हैं. ऑन 22 अगस्त 2017 द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डीम्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इन्होंने इसको माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 22 अगस्त 2017 को. थ्री, नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू दी थर्ड पॉइंट, ठीक है. सो हियर इट इज, थ्री ऑफ द फाइव जजेस इन द पैनल कंकर्ड दैट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. पांच में से तीन जजेस की पैनल ने ये बोला कि ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है. उसके बाद नाउ मोदी जी हैज अराइव्ड हियर. बेसिकली आफ्टर टेकिंग मेजोरिटी इन दी मेजोरिटी एज अ सेंट्रल पार्टी, मोदी गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड अ बिल
called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2017. They, you know, have passed this bill in the Lok Sabha and reduced it in the parliament, which was passed on 28th December 2017 by the Lok Sabha. So, kaun sa bill pass kiya Modi government ke dwara? Jab Modi government satta mein aayi, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2017. Now, next point, sixth point. It has been discussed above, basically. So, the bill makes instant triple talaq, talaq-e-biddha in any form, spoken, in writing, or by electronic means such as email, SMS, and WhatsApp, and legal void with up to 3 years jail for the husband. You can see ki the punishment which is decided in this thing is of 3 years imprisonment. ठीक है, 3 साल की जेल की सजा है अगर ऐसा करती है. आफ्टर यू नो पासिंग द बिल इन द पार्लियामेंट, मोदी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट इट शुड नॉट बी यू नो कैरिड ऑन. कुछ सजा होनी चाहिए जिससे ये रोका जा सके. आफ्टर दैट सेवेंथ पॉइंट, द मैन डिड नॉट नीड टू साइट एनी कॉज फॉर द डाइवोर्स एंड द वाइफ नीड नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट दैट टाइम प्रोनाउंसमेंट. अब ये देखिए कितनी क्रुएलिटी है, दैट मैन को सभी अधिकार प्राप्त हैं विदाउट गिविंग अ पर्टिकुलर कॉज, विदाउट गिविंग एनी रेलेवेंट कॉज. ठीक है, ही कैन फाइल अ डाइवोर्स और ही कैन नॉट फाइल अ डाइवोर्स, सिंपली ही कैन से दैट इन यू नो एनी वे, कह सकता है 3 बार, लिख सकता है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि उसकी वाइफ उस समय यू नो प्रेजेंट हो. तो उसको जरूर ये बोला गया है कि इस ये जो लॉ है उसमें बोला गया कि ये गलत है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एट्थ पॉइंट, ट्रिपल तलाक इज़ अ 1400-year-old प्रैक्टिस अमंग सुन्नी मुस्लिम्स. ये सुन्नी मुस्लिम्स में 1400 साल पुरानी प्रैक्टिस है. ठीक है, तो ये मेनली पूछा जाता है कि किन मुसलमानों में बहुत सारे वेरिएंट और सही सेगमेंट्स हैं जिनमें सुन्नी मुस्लिम की ये प्रैक्टिस स्पेशली है. ठीक है, अब नाउ वी विल यू नो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. नाउ लुक एट दिस, ट्रिपल तलाक हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रैक्टिस है. ठीक है, उसके बाद देखिए, अ डाइवोर्स वुमेन कुड नॉट रीमैरी हर डाइवोर्स्ड हस्बैंड अनलेस शी फर्स्ट मैरिड अनदर मैन, अ प्रैक्टिस कॉल्ड निकाह हलाला. अब ये देखिए कितना अजीब बात है कि वुमेन हैज़ नॉट बीन गिवन एनी राइट टू यू नो रीमैरी दैट मैन. ठीक है, अब वो रीमैरी हाल के नहीं कर सकती है. अ डाइवोर्स वुमेन जो डाइवोर्स दे चुकी है, अपनी डाइवोर्स वुमेन है, डाइवोर्स हो चुका है दोनों में, तो वापस अपने जो पहले वाले जो डाइवोर्स हस्बैंड है उसको मैरी नहीं कर सकती, रीमैरी नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी दूसरे से मैरी नहीं करती है. ठीक है, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं निकाह हलाला. इसे निकाह हलाला का नाम दिया गया है, इसे निकाह हलाला बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए, ट्रिपल तलाक एज अ प्रैक्टिस इज नॉट मैंशनड इन द कुरान और शारिया लॉ, इट इज़ ऑल्सो लार्जली अप्रूव्ड बाय मुस्लिम लीगल स्कॉलर. ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, है ना, और ना ही कहीं पाई जाती है, ना कुरान में ना शारिया लॉ में. इट इज़ ऑल्सो लार्जली डिसअप्रूव्ड बाय द मुस्लिम लीगल स्कॉलर. सो ये पॉइंट उठता था, आज के ज़माने में तो बहुत उठता है कि इज इट मैंशनड, इज ट्रिपल तलाक मैंशनड इन यू नो कुरान? नो, इट इज़ नॉट मैंशन इन द कुरान. नो, इट इज़ नॉट मैंशन इन द शारिया लॉ, किसी में भी. मुसलमानों का जो लॉ है वो शारिया लॉ है. ठीक है, तो मुस्लिम लीगल स्कॉलर्स को अपोज इसी वजह से करते हैं कि कहीं मैंशन नहीं है और इस प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर रहे हो. वाई? ठीक है, आगे देखिए 11th पॉइंट, सेवरल इस्लामिक, बेसिकली द पर्पस ऑफ टीचिंग इन द पॉइंट्स इज टू यू नो सिंपली प्रोवाइड यू द सिंपल अप्रोच ऑफ स्टडी. लाइक अगर मैसीनेस करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ में भी पढ़ सकते हैं, बट पैराग्राफ इज़ नॉट सूटेबल बिकॉज
उसको एक बार में मतलब सीखना इतना आसान नहीं जितना कि बुलेट हमें इजीली सिखा देते हैं, तो इसलिए आई जस्ट यू नो टेक दिस टॉपिक एंड गिव यू अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इन 15 पॉइंट्स। सेवरल इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव बैंड इट, ऑल्दो इट इज़ टेक्निकली लीगल इन सुन्नी इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस। ठीक है, अब देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, मॉडर्न कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें ये बैन है, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान बांग्लादेश हैव बैंड इट ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखिए 12th, ट्रिपल तलाक इन इस्लामिक लॉ इज बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट द हस्बैंड हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट और डिसमिस हिज वाइफ विद गुड ग्राउंड्स। हाउ क्रूअल इट इज इन रियलिटी, थिंक अबाउट इट, लाइक अ हस्बैंड नीड नॉट टू गिव एनी गुड कॉज फॉर डाइवोर्स टू हिज वुमेन। बेसिकली उसे कोई भी अच्छा कारण बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किस मेंटेलिटी, किसी भी मेंटेलिटी से वो डाइवोर्स फाइल, डाइवोर्स दे सकता है उसे 2 मिनट में, 3 बार शब्दों का प्रयोग किया और डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, तो ये बोला गया है। अब देखिए आगे देखिए, इफ द वाइफ वॉन्ट्स टू एंड हर मैरिज, अब यहीं पर डिफरेंस अराइज होता है कि इफ अ मैन वॉन्ट्स टू गिव हिज वाइफ डाइवोर्स ही कैन ईजली डू सो, बट द वूमेन और से वाइफ वॉन्ट्स टू एंड हर मैरिज एंड हर हस्बैंड डज नॉट एग्री टू गिव अ तलाक, सी हैज टू कम्प्लाई विद द प्रोसीडिंग्स एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। उसको कम्प्लाई करना होता है, जो वुमेन है उसको कम्प्लाई करना होता है लॉ की जितनी प्रैक्टिस हैं। ठीक है, बट मैन नीड नॉट टू डू दैट। आगे देखिए 14 पॉइंट, 14 पॉइंट सिंपली टेल्स अबाउट द यू नो एफिडेविट। इन सेप्टेम्बर 2016 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैड फाइल्ड एन एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट एज अ रिस्पॉन्स टू पटिशन बाय शायरा बानो अपोजर्स थे इस लॉ की। ठीक है, तो उनके रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एफिडेविट फाइल किया SC में, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि क्या बोलता है कि शारिया ग्रांट्स राइट टू डाइवोर्स टू हस्बैंड बिकॉज मैन हैव ग्रेटर पावर ओवर डिसीजन मेकिंग। तो ये देखिए कितना गलत स्टेटमेंट है कि शारिया किसको बोलते हैं, जो कि वहाँ के काजी, ठीक है, और जो मुस्लिम जो लॉ है वहाँ पे जजमेंट देते हैं उन्हीं को शारिया बोलते हैं। ठीक है, काजी नाम दिया गया है शारिया को। ग्रांट्स राइट टू डाइवोर्स टू हस्बैंड, उन्होंने कहा कि शारिया ने जो डाइवोर्स फाइल, डाइवोर्स का जो राइट दिया है वो हस्बैंड को दिया है। ठीक है, बिकॉज मैन हैव ग्रेटर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मोदी गवर्नमेंट हैज सेट अप अ मिनिस्ट्रियल कमिटी टू कंसिडर अ लेजिस्लेशन टू पुट एन एंड टू इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक। ठीक है, इन्होंने कमिटी बनाने का विचार कर लिया है, ठीक है, इसके रेफरेंस में। सो इट शुड बी बैंड यार, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आज के टाइम में अगर चलती हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। सो इफ़ यू लाइक माई टॉपिक, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब्ड इट ऑलरेडी प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो